मोरवा क्षेत्र में गरीबों को बांटे जाने वाले खाद्यान्न की काला बाजारी का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ गरीब कार्ड धारियों को वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकान की बजाय कोटेदार योगेंद्र बेस उक्त खाद्यान्न को अपने गृह ग्राम ले जा रहा था। सूचना पर मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी ने 226 बोरी गेहूं से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है, साथ ही कोटेदार व ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बैरीहवा सरपंच की सूचना पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने 226 बोरी गेहूं से भरे ट्रक के साथ कोटेदार योगेंद्र बेस व ट्रक चालक को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। मोरवा पुलिस की इस कार्यवाही से कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कोटेदार इस तरह का कृत्य कर चुका है, लेकिन विभाग उसको हटाने की बजाय फिर से उसी जगह पदस्थ कर दिया था। कहीं न कहीं सहकारिता विभाग की मिलीभगत व लापरवाही की वजह से जिले में इस तरह का अपराध फल फूल रहा है। सर, आपके थाना क्षेत्र में एक ट्रक गेहूं का पकड़ाया है, पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसके अंदर? कल दिनांक 27/10 को हमें सूचना मिली कि ग्राम बैरीवा में एक ट्रक में जो PDS का गेहूं कोटे में पहुंचना चाहिए वहां न उतार के कोटेदार योगेंद्र के द्वारा ले जाया जा रहा है। साथ में उसका ट्रक का नंबर आया और इस सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी। मौके पर हमें दद्दू और दद्दा खैरवाल और कोटेदार योगेंद्र कुमार सिंह मिले। 226 बोरा गेहूं बरामद हुआ जो नियत गंतव्य पे ना पहुंच के और कहीं ले जाया जा रहा था। हमने EZ की कार्रवाई करते हुए ट्रक जब्त किया, दोनों को गिरफ्तार किया है और कल इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। गांव के सरपंच और ग्रामीणों का ये आरोप रहा है कि वो आदतन अपराधी था। उसका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि 2018 में भी पुलिस ने उसके घर पर 75 बोरा गेहूं जब्त किया था, उस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ, इनका पुराना रिकॉर्ड देख के हम प्रकरण में लगाएंगे ताकि इनको